दोस्तों, मैंने जो जियो का सिम लिया था वो अभी एक्टिवेट हो गया है और मैंने उसका टेलीवेरिफिकेशन भी कर दिया है। देख सकते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं जियो 4G का सिम यूज़ कर रहा हूँ अपने नेट के लिए। तो मैं अभी तो एक्टिव हो गया है मेरा, अभी सब ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन इनिशियली एक प्रॉब्लम मैंने फेस किया और मुझे लगता है ये प्रॉब्लम हर कोई फेस कर रहा होगा। तो देखते हैं ये इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए ये प्रॉब्लम आता है आपका एपीएन सेटिंग से। अगर आपका फ़ोन ठीक से एपीएन सेटिंग नहीं लेता, अगर जियो के तरफ से एपीएन अपडेट होता है, अगर वो ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होता है, तो ये आपका जियो का नेट नहीं चलेगा आपके फ़ोन पर। तो इसको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए ये वीडियो है। तो मैं अपने सेटिंग में जाता हूँ। ये डिफरेंट फ़ोन के लिए डिफरेंट हो सकता है। तो अभी मैं सिम कार्ड्स में जाता हूँ और यहाँ पर मेरा अभी सिम टू जियो का सिम है। कौन बोलता है कि सिम टू में जियो नहीं चलता? आप जो भी सिम में डाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपने सेटिंग पर जाकर, अगर आपको प्रीफर नेटवर्क 4G पर रखना होगा, अगर आप सेकेंड सिम स्लॉट का सेटिंग 4G पर रखते हैं, तो जियो का नेटवर्क आ जाएगा और नेट भी चलेगा। तो देखते हैं, और यहाँ पर एक्सेस पॉइंट नेम्स पर जाते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये वाला होना चाहिए आपके फ़ोन पर। अगर ये सेटिंग नहीं है तो आपका नेट नहीं चलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं थ्री डॉट्स जो है, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, रिसेट टू डिफ़ॉल्ट मारना है। अगर यहाँ पर ये नहीं है, अगर आप रिसेट टू डिफ़ॉल्ट मारेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ये भी आ गया, लेकिन उसके बाद भी प्रॉब्लम होता है। तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए इसको ओपन करना होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ आपका एपीएन टाइप, तो यहाँ पर एपीएन टाइप डिफॉल्ट होगा। अब आप वहाँ पर एपीएन टाइप को एडिट करके कॉमा कॉमा जियो नेट डालना होगा। आपका जियो नेट डालने के बाद ओके पर मारिए। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी कर दिया है, तो मैं कैंसिल मारता हूँ और यहाँ पर थ्री डॉट्स पे जाना है और सेव मारना है। तो उसके बाद सेव करने के बाद आपका हो जाएगा। अगर ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होता है तो आपको अपना फ़ोन रिस्टार्ट मारना होगा। ये रिस्टार्ट मारने के बाद आपका 2 GB का डाटा अगर आपको मिला होगा इनिशियली, तो आप उसको अपने फ़ोन पर आराम से यूज़ कर सकते हैं और दूसरे ऐप्स को डाउनलोड मार सकते हैं अनलिमिटेड करने के लिए। तो ये एक छोटा सा वीडियो था ये छोटा सा वीडियो था आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए। एपीएन सेटिंग आपका अगर ठीक नहीं है जियो नेट के लिए, तो नेट नहीं आएगा। तो ये ध्यान पर रख के ये वाला सेटिंग कीजिएगा। थैंक यू। तो वीडियो इतना ही इसके ऊपर ही था। थैंक यू।